खजनी थाना क्षेत्र के ग्राम महुआ डाबर में दिनांक 13 जून की रात चौकीदार हुबेलाल पुत्र राम बलि की हुई हत्या का मंगलवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक थाना खजनी के ग्राम महुआ डाबर स्थित सावित्री देवी कन्या इंटर कॉलेज प्राइवेट चौकीदार के रूप में तैनात था। पुलिस लाइन सभागार में हत्या का खुलासा करते हुए SSP शलभ माथुर ने बताया कि मृतक का पुत्र लोकनाथ पिछली बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था, जिससे वो काफी रुपया कर्ज ले चुका था। इसके अलावा ग्राम चबरहट खंदराई खोठा के कई लोगों से आवास दिलवाने, सिंगर बनवाने, राशन कार्ड बनवाने, सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए धनराशि लिया गया था, जिसमें करीब 4 लाख रुपए का कर्जदार हो गया था, जिसे चुकाने के लिए अपने पिता पर जमीन बेचने का दबाव बना रहा था। हुबेलाल द्वारा 3 डिसमिल जमीन बेचकर कर्ज चुकाया गया, परंतु पूरा कर्ज समाप्त नहीं हो सका। शेष कर्ज भी चुकाने के लिए लोकनाथ द्वारा जमीन बेचने का दबाव अपने पिता पर बनाया जाने लगा, परंतु हुबेलाल द्वारा स्पष्ट इनकार कर दिया गया, क्योंकि एक बेटी की शादी करना था। बकायेदारों के तगादा से लोकनाथ काफी परेशान हो गया था, तब अपने पिता को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगा, ताकि पिता की मृत्यु के बाद वह जमीन बेच सके। दिनांक 13 जून की रात आंधी पानी के कारण बिजली नहीं थी। रात अंधेरे में लगभग 12:30 बजे लोकनाथ अकेले गेट फांदकर विद्यालय के अंदर गया तथा सो रहे अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर दिया तथा आत्महत्या का रूप देने के लिए मृतक के गले में लुंगी का फंदा बनाकर दरवाजे की कुंडी से लटका दिया तथा वापस घर आकर सो गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP शलभ माथुर ने बताया। किसकी कर ले? खजनी वाली का। जो वादी अभी उनकी रात तो 1 महीने पहले सावित्री देवी कन्या इंटर कॉलेज पढ़ता है थाना खजनी के अंदर, उसके अंदर एक चौकीदार जो हुबू लाल है उसकी हत्या हुई थी। शुरू में मुकदमे अज्ञात में लिखा था। इस घटना का अनावरण करते हुए जो मृतक है उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया। मृतक के बेटे का नाम लोकनाथ है और यही वादी मुकदमा है, और इसने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए इस चीज़ को स्वीकार किया है कि उसने अपने पिता की हत्या की थी। और बेसिकली ये जो व्यक्ति है, जो अभियुक्त है, ये जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य का भी चुनाव लड़ चुका है। इस संदर्भ में उसने काफ़ी कुछ इसके अंदर कर्जा ले रखा था। इसके अलावा ये आसपास की छानबीन से ये भी निकल के आया कि जो वहाँ पे आसपास गांव है, वहाँ से कई लोगों से आवास का पैसा लिखवाना, किसी से राशन कार्ड का पैसा लिखवाना, किसी से और जो है सस्ते दर पे अनाज उपलब्ध कराने का, सभी चीज़ का ये पैसा लिया करता था। इसके कारण इसके ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया था। एक चीज़ और जानकारी में आई कि एक व्यक्ति से इसने सिंगर बनाने का भी पैसा लिया, उसके गाने उसने कहा कि मैं नेट पे भी अपलोड कराता हूँ, उससे भी लगभग 90,000 रुपये इसने लिए थे। ये अपने पिताजी की कुछ ज़मीन जो है वहाँ पे सेल कराना चाहता था। कुछ ज़मीन इसने सेल करी थी, कुछ इनके पिताजी के ऊपर ही लगातार प्रेशर डाल रहा था सेल करने के लिए, बेचने के लिए, ताकि उसका कर्जा उतर चुके। ये इसके पिताजी इसके लिए तैयार नहीं थे। घटना के रात इसने ये बताया कि 2-3 दिन से ये प्लान कर रहा था। उस पर्टिकुलर दिन काफ़ी आंधी और तूफान वहाँ पर जो है वहाँ पर आया था, और जब ये घटना हुई तो इसने अकेले ही इस घटना को पारित किया। जो बता रहे थे कि पिताजी की बॉडी इतनी कमज़ोर थी कि इनके ऊपर चढ़ के पहले इनकी गला दबा के हत्या की, और उसके बाद उसकी उनकी बॉडी पे कई जगह चोट देने का प्रयास किया, प्राइवेट पार्ट्स भी चोट उसके ऊपर करी ताकि ये दूसरी घटना में स्वरूप दे सके, और उसके बाद उनको आधा लटका दिया ताकि वो पार्सल हैंगिंग का स्वरूप ले सकें। उसके बाद सबसे आखिर में घटनास्थल पे पहुंचा। उस दिन सबसे पहले पुलिस को भी सूचना इसने ही दी, और उसके बाद जब इसको इस चीज़ का आभास होने लगा कि शायद घटना में उसका नाम का अनावरण हो सकता है, तो कुछ और लोगों का नाम जिनसे कि इनके पिताजी ने लैंड सेल आदि का काम किया था, उनका नाम इसके अंदर लेने लगा। पुलिस ने जब मौके पर साक्ष्य इकट्ठे किए और आसपास जैसे मैंने बताया और चीज़ों को जब हम लोगों ने तहरीर किया, तो ये मोटा मोटा इनके ऊपर चीज़ें आने लगी। और उसके बाद जब इनसे पूछताछ हुई तो पूछताछ में इन्होंने अपने सारे घटनाक्रम का स्वीकार किया, और जो इनके पिताजी लुंगी पहनते थे उन्हीं से गला कस के इन्होंने अपने पिताजी की हत्या की थी। कुल मामला पैसे का था। पैसे